लिए? यस सर। तैयार हो गया? अगर आपसे कुछ पूछा जाए, आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले हम बता दें, इसमें जो वर्डिंग्स हम यूज करेंगे वो बहुत बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं, उन्हीं को यूज करना। ठीक, कोई नई चीज यहाँ नहीं है, हर चीज हम पढ़ चुके हैं पहले से, थोड़ा उन्हें एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, सबसे पहले जिस ब्रांच की हम बात करने जा रहे हैं, जो ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मैकेनिक्स। वो है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होती है? देखिए, मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किस वजह से वो रेस्ट में है, किस वजह से वो मोशन में, इसके बारे में हम बात। तो लिखिए जरा इसकी डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जरा मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द conditions of rest or motion, with the conditions of rest or motion of the objects around to us। मतलब ये कौन सी ब्रांच है? ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम अपने चारों तरफ जितनी बॉडीज हैं उनके रेस्ट या मोशन के बारे में बात करें। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस कितनी कितनी हैं? तो अगला है ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, इसकी ब्रांचेस कितनी है? तो नंबर एक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, अब जरा देखिए, हम इस समय खड़े हुए हैं, क्या हम पर फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, चारों तरफ से हम पे फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना हमारे ऊपर लग रहा है? जीरो। तो यानी कि इस ब्रांच में हम जिस बॉडी के बारे में बात करेंगे वो किस पोजीशन में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। तो शॉर्ट में लिखते जाइए, इन दिस ब्रांच वी डिस्कस अबाउट द बॉडी विच इज एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। ये शॉर्ट में हम लिखवा रहे, इन दिस ब्रांच वी डिस्कस अबाउट द बॉडी विच या बॉडी एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। मतलब रेस्ट का मतलब ये नहीं फोर्स नहीं लग रहा है, यह है कि उस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, इसलिए उसको इक्विलिब्रियम माना जाता है। दूसरा है काइनेमेटिक्स। वी डिस्कस बॉडीज एट रेस्ट और एट और इन इक्विलिब्रियम, और इन इक्विलिब्रियम, काइनेमेटिक्स दूसरी ब्रांच है यहां पर। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स जरा देखिएगा, काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स, दो अलग अलग वर्ड है। काइनेमेटिक्स में हम उन बॉडीज के बारे में बात करेंगे जो बॉडी मोशन में है, लेकिन और तीसरी एक मिनट, तीसरी ब्रांच है डायनामिक्स। जानबूझ दोनों एक साथ लिख रहे हैं, या इसको हम काइनेटिक्स कहते हैं। काइनेटिक्स नया वर्ड है, आपकी बुक नहीं मिलेगा, बड़ी क्लास मिलेगा। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स या काइनेटिक्स, दोनों में अंतर समझिएगा। देखो, काइनेमेटिक्स में हम बॉडी के मोशन के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन वो मोशन किस वजह से हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। समझा रही बात? मतलब भाई, बॉडी का, बॉडी में जो है मोशन किस वजह से हो रहा होगा? फोर्स की वजह से हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, बॉडी क्यों मोशन में हो रही? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
अगर हम बॉडी हमारी रेस्ट में है तो हम पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन हम रेस्ट, हम मोशन के बारे में बात करेंगे लेकिन उसके रीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके कॉज के बारे में बात। और जब डायनामिक्स की बात करेंगे तो इसमें जिस मोशन के बारे में बात करेंगे उसके कॉज के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये मोशन किस वजह से हुआ। ठीक है, तो इस काइनेमेटिक्स में लिखिए, दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस डील्स या दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लिखते हुए लिखो, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील with the study of motion of object, with the study of motion of object without considering the cause of motion, without considering the cause of motion। देखो बड़ा सावधान हो जाना, अब यहां से फिजिक्स थोड़ा उठ रही है, अभी तक तो ग्राउंड में थी, अब उठ रही है, टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नए नए वर्ड्स आएंगे उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। Without considering the cause of motion, मतलब इस ब्रांच में हम मोशन के बारे में बात तो करेंगे लेकिन बॉडी का मोशन किस वजह से हुआ, बॉडी चलते चल रही है, क्यों चल रही है, ये हम नहीं बताएंगे, चल रही है बताएंगे। तीसरी ब्रांच लिखिए डायनामिक्स, उसका दूसरा नाम है काइनेटिक्स, ये वर्ड नहीं मिलेगा आपको, मेन है डायनामिक्स, लिख लीजिएगा आप काइनेटिक्स। देखिए इन दिस मतलब इस ब्रांच में, इन दिस वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ the cause of their motion, of the cause of their consideration, yani yahan par cause of their motion kya wo gaur bol rahe kya, cause of their motion matlab hum ab kisi body ka motion ka cause kya hota hai, kyon chalti hai bhai वो चलती है फोर्स की वजह से, यानी कि यहां पर हमको फोर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। एक नोट करके लिख लीजिए इसमें, हियर वी कंसीडर द फोर्सेस विच कॉज द मोशन, हियर वी कंसीडर द फोर्सेस विच कॉज द मोशन, मतलब यहां उस फोर्स के बारे में हम बात करेंगे जो जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ रही है। तो तीनों ब्रांचेस समझ में आ गई, इन्हें पढ़ना नहीं है आपको, अब तो फोर्स बारे में पढ़ना है आपको, लेकिन ये तीन ब्रांचेस होती हैं, एक स्टैटिक्स जिसमें बॉडी रेस्ट में रहेगी, एक काइनेमेटिक्स जिसमें बॉडी मोशन में रहेगी, एक डायनामिक्स जिसमें बॉडी मोशन में रहेगी। इसमें बॉडी मोशन में रहेगी लेकिन क्यों मोशन में है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, टाइम जरूर उसमें देखेंगे कि भाई कितने टाइम तक वो मोशन में रहेगी, यानी यहाँ पर टाइम मेजरमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हम उसके कॉज के बारे में बात करेंगे कि बॉडी मोशन में है तो क्यों है, किस वजह से। ठीक है, अच्छा अब नए नए वर्ड्स हैं इनके मीनिंग लिखना शुरू करिए, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर पहले आए, मोशन थ्योरी है जिनके बारे में आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आता है रेस्ट, वो वाला रेस्ट नहीं है आराम करते बाद, आता है रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में कब पहला, जब मोशन में नहीं होती, वो तो उसकी मीनिंग होगी, अगर के आप कैसे कहेंगे वो रेस्ट में, वो हिलता नहीं। अच्छा, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और वहां वहां से लेकर के आप जम्मू तक गए और वो हिला नहीं, तो मोशन में है कि नहीं है, वो तो मतलब कि डिपेंड्स कि आप कहाँ से देखते हो ना। हाँ, अगर तुम बाहर से देखो आपके तो आप क्या कहेंगे, आपके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है। भाई हम रेस्ट में हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे सैटेलाइट से हमको देख रहा है, दूसरे
प्लैनेट से देख रहा है, तो आई एम नॉट इन रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट लिखिए, शॉर्ट में हम लिख पा रहे हैं, यानी अगर बॉडी अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, और कौन सी सराउंडिंग भाई, हमारे सराउंडिंग तो मेरा यूनिवर्स भी तो है, नहीं है सराउंडिंग कौन सी, आपके बिल्कुल बगल वाली सराउंडिंग जो है, तो लिखिए अ बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, अ बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट, लिखवा इसलिए रहे हैं कि हमें आता तो है लेकिन लिखे कैसे, अ बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द टाइम, सराउंडिंग विद द टाइम, तो टाइम भी यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा कि आप टाइम के साथ साथ भी हो, चेंजिंग हो रही विद द टाइम। जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे, बुक लाइंग ऑन द टेबल, एग्जाम्पल की बुक लाइंग ऑन द टेबल, वो क्या है, वो रेस्ट में है, क्यों रेस्ट में है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में वो है और टाइम के साथ साथ आप देख रहे हो उसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट, ठीक। दूसरा होता है मोशन, मोशन में बिल्कुल उल्टा लिख दीजिए कि जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो लिखिएगा In this, the body changes its position with respect to its surrounding. In this, body changes its position with respect to its surrounding. Body changes its position with respect to its surrounding. एक note लिख लीजिएगा, rest and motion both are relative terms, दोनों कैसे हैं, ये relative है, मतलब आप जब बात करोगे body rest में है, आप जब body बात करोगे body motion में है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसके respect में आप बात कर, आप sun से देख रहे हो कि आप moon से देख रहे हो, कि आप earth के ऊपर हो या आप train के ऊपर बैठे हो या आप platform पे बैठे हो, कहां से आप देख रहे हैं भाई, दो लोग ट्रेन पे बैठे हैं, क्या दोनों लोग चल नहीं रहे हैं, दोनों लोग चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में थे, जबकि प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ व्यक्ति उसको मोशन में बता रहा था, तो दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब लिखिए टाइप्स ऑफ मोशन, अच्छा एक नया वर्ड आएगा उसको कुछ समझ लीजिए, एक वर्ड आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रेफरेंस वर्ड आप जानते होंगे, अक्सर बातचीत की भाषा में ये रेफरेंस वर्ड यूज किया जाता है ना, कोई बातचीत कर रहा है और आपको समझ में बात नहीं आ रही है, तो आप पूछते हैं किस रेफरेंस पे बात की जाए, या आपसे कोई कुछ कह रहा है, कुछ ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आपसे जुड़ी हुई है, तो आप कहेंगे किस रेफरेंस पे आप ये बात कर, तो बताएगा ना, हाँ, वो आपको बताना पड़ेगा ना किस रेफरेंस पे बात कर, तो जरा समझने की कोशिश करिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो, फ्रेम तो लग रहा है कि कोई चीज फ्रेम ऐसे कुछ लिखा हुआ, आप जरा सावधान, कोई घटना होती है कहीं पर, आपने अपनी घड़ी में 10 बजे उस घटना को देखा, हमने भी देखा, आपने कहा 10 बजे बहुत तेजी से आवाज सुनाई पड़ी और बड़ी तेजी से लाल लाल रोशनी दिखाई, हमने कहा हमको भी 10 बजे सुनाई पड़ी, हमको भी रोशनी दिखाई पड़ी, लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि धमाका हुआ है, दोनों लोगों ने एक घटना को देखा, एक ने कहा कि हमको धमाका भी सुनाई पड़ा और बहुत ज्यादा रोशनी भी दिखाई, दूसरे ने कहा हमको रोशनी तो दिखाई पड़ी लेकिन धमाका सुनाई नहीं पड़ा, क्या मतलब है, हो सकता है कि कोई घटना हो रही हो, आप कोई एक फ्लाईओवर है उसके ऊपर खड़े हुए हैं और वहां से आपने देखा बड़ी दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ रही थी और आवाज सुनी थी,
हो सकता है हम वहां से 2 किलोमीटर दूर कहीं खड़े हुए हैं, वहां से हम देख रहे हैं, तो हमको रोशनी तो दिखाई पड़ी लेकिन हम दूर थे इसलिए हमको आवाज सुनाई। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी बॉडी के मोशन या रेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं किसके रेस्पेक्ट। आप कहेंगे अ पर्सन ऑन द ट्रेन वॉज इन मोशन, किसके रेस्पेक्ट में? बिकॉज अ पर्सन वॉज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म उस व्यक्ति के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ आई बात? यूनिवर्स में कोई घटना हो रही है, आप कहते हैं आसमान का रंग नीला होता है, ऐसा पढ़ते ना छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे से आपको पढ़ाया जाता है कि आसमान का रंग ब्लू होता है, ब्लू इज कलर ऑफ द स्काई, पढ़ा है ना आपने? नहीं सर। लेकिन आप नहीं पढ़ा, चलिए आगे पढ़ेंगे, बचपन में पढ़ाया जाता है भाई, जैसे लाइट आती है स्कैटरिंग हो जाती है तो स्कैटर्ड लाइट ब्लू दिखाई पड़ती है, आगे पढ़ेंगे चिंता मत करिए। अगर आप आसमान को चंद्रमा पर से देखेंगे जाकर के तो आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगा, वो कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप अर्थ से देख रहे हैं और अर्थ में एटमॉस्फेयर है, और जब लाइट सन की उस एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है तो मीडियम के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से लाइट स्कैटर्ड हो जाती है और वो स्कैटर्ड कलर है वो ब्लू दिखाई पड़ता, वो कलर दिखाई पड़ता। तो आप आसमान का कलर नीला कहां से देख रहे हैं? अर्थ से देख रहे हैं। तो अर्थ क्या हमारे लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी किसी इवेंट को हम कहां से देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आ रही बात? इसको लिखवा नहीं रहे, पॉइंट समझ लीजिए केवल आप। अब लिखिए टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन, ये सब नए नए वर्ड नहीं है, बहुत दिनों से आप पढ़ते आए हैं, उन्हें एक बार बताया जा रहा है। टाइप्स ऑफ मोशन देखिए, जरा समझने की कोशिश करिए, डेफिनेशन अलग तरीके से होती है, समझना अलग तरीके से होता है। एक तार है, उस तार के ऊपर एक वायर है, एक वायर के ऊपर एक कीड़ा छोड़, तो कीड़ा उसी वायर के ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। एक मेज है, उसके ऊपर कीड़ा छोड़ दीजिए तो उस मेज में ऐसे ऐसे घूमेगा, स्पेस में छोड़ दीजिए स्पेस में घूमेगा, तो तार में जो मोशन है वो कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है, उसको लीनियर कहते हैं, ठीक है। जो मेज में है उसमें हम 2 डायमेंशनल कहेंगे, और जो स्पेस में उसको हम 3 डायमेंशनल कहेंगे। तो अभी तक तो लीनियर पढ़ते थे, तो पहले लीनियर की बात करेंगे, फिर 2 डायमेंशन की बात करेंगे, फिर 3 डायमेंशन की बात करेंगे, लेकिन हमको चूंकि अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट पढ़ी है? Yes, sir. कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं? बोले ये थोड़ी पढ़ा है, कोऑर्डिनेट पढ़ा है, कोऑर्डिनेट पढ़ी है सभी ने? Yes. उसे कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं? सर क्योंकि फाइंडिंग अ प्लेस इन स्पेस टू रेफर फ्रॉम अ रेफरेंस ऑफ समथिंग, नो? क्या बता रहे हैं? मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स से हट जाइए। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट, उसको कोऑर्डिनेट क्यों कहा जाता है? सुनिए ध्यान से, इसका आंसर जो टीचर देते हैं, हो सकता है अभी आप हमारे क्लास से छोड़े हो, मैथ वालों से पूछना शुरू कर, ठीक है। देखिए, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो दो उसमें एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो कुछ टीचर्स बताते हैं कि भाई 2 एक्सिस होती है एक्स और वाई, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट को माने 2 होता है, जब को एजुकेशन ऐसे इसलिए इसको कोऑर्डिनेट। पहला आंसर समझ में आया? तो जिसने ये आंसर दिया कि चूंकि 2 एक्सिस होती हैं इसलिए कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो आप जानते हैं कि 3 डायमेंशन भी होती है, एक्स वाई जेड नहीं होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 होती नहीं होती है, होती है। और जो 3 होती है तो उसको भी कहा जाता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, उसको नाम भी कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो 3 डायमेंशन में भी कोऑर्डिनेट, तो काहे के लिए कोऑर्डिनेट? देखो इसको कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं, सावधान, कोऑर्डिनेट में ग्राफ होता है, बोलते रहिए, ग्राफ में आप पॉइंट प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद आप स्केल से मेजर कर लीजिए, ये काम किसका है? ज्योमेट्री का। ये काम किसका है? ज्योमेट्री का है, लेकिन आप उसको स्केल से मेजर नहीं करते, आप उस डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
ये काम होता है अलजेब्रा का. तो बिकॉज वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री विद हेल्प ऑफ अलजेब्रा, यानी वी आर यूजिंग टू ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व एन इक्वेशन, इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट रखा. समझे बात? क्योंकि यहां पर अगर कोई आपको कहे कि भाई एक्स एक्स और वाई एक्स दो होती हैं इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो फट से आप क्वेश्चन दाग दीजिए. हिसाब ये बताइए कि जो तब तीन डायमेंशन होती हैं उसको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, एन डायमेंशन भी होती है एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है. तो ये तो आंसर लॉजिक नहीं है. बिकॉज वी आर यूजिंग अलजेब्रा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री, we are using two branches of mathematics, that's why name has given coordinate है. उससे हमसे मतलब नहीं है, जरा समझने की कोशिश करो. हम वन डायमेंशन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, जरा सावधान. जैसे मैं x और y दो एक्सिस पर बना रहा हूं, ठीक है, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है ना. अच्छा, ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट की जानकारी आपको होनी चाहिए. कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है, मान लेते हैं x एक्सिस पे डिस्टेंस 2 है, y पे 3 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 3 हो जाएगा, 3 है ना. अच्छा, अगर यही पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाए और ये यहाँ से डिस्टेंस हो जाए 5, तो अब कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5, 3. ये मोशन कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन. क्यों? क्योंकि इसमें दो डायमेंशन में केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए मोशन कैसा है? लीनियर मोशन होता है, ठीक है. अब अगर ये पॉइंट यहां से यहां खिसक जाए तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा. अगर 7 ये है 8 ये है तो 7, 8 हो जाएगा. तो यहां दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्स का भी चेंज हो रहा है और वाई का भी चेंज हो रहा है. तो इस प्रकार का मोशन क्या कहलाता है? टू डायमेंशन मोशन. अगर x, y, z तीनों चेंज हो जाए इसको कहेंगे हम थ्री डायमेंशनल मोशन. समझ गए बात? यानी yes. अगर कोई लाइन, ये तो मैथमेटिक्स की भाषा में ना, कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है x, y, z में से, तो मोशन कैसा है? लीनियर, या रेक्टिलीनियर भी कहते हैं, या स्ट्रेट. अगर दो डायमेंशन चेंज होते हैं तो टू डायमेंशन, तीन होते तो थ्री डायमेंशनल. तो नंबर लिखिए वन डायमेंशनल टाइप ऑफ मोशन में, वन नंबर वन लिखिए वन डायमेंशनल, या दूसरा इसका नाम है लीनियर, या तीसरा नाम है रेक्टिलीनियर, रेक्टिलीनियर मोशन. तीनों का मतलब अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है. देखो जरा, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, दो वर्ड दिए गए हैं, दोनों में अंतर क्या है? सावधान देखो, ध्यान से. मैं चल रहा हूं. यस सर. बताएं. देखिए, अगर कोई पॉइंट चल रहा है सीधी रेखा में तो वो लीनियर मोशन कैसा है, और कोई बॉडी चल रही है तो इसमें कितने पॉइंट है? हजारों पॉइंट है, ये चल रहे हैं, ये रेक्टिलिनियर मोशन. समझ गई बात? अगर एक पॉइंट चलता है तो लीनियर मोशन कहलाता है, पूरी बॉडी चलती है तो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है. मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों चूंकि अलग अलग वर्ड है तो दोनों के मतलब अलग अलग होंगे. जरा समझिएगा, अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो मेरी नाक और मेरी चोटी जो कि नहीं है, कि पोजिशन एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना. लेकिन मैं अगर 1 मीटर चलूंगा तो मेरी नाक भी 1 मीटर चलेगी सेम डायरेक्शन, मेरी चोटी भी 1 मीटर चलेगी, नहीं चलेगी? चलेगी. तो हमारी बॉडी चल रही है, पॉइंट हुआ मेरी केवल नाक का टिप, और पूरी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो पूरी बॉडी चलेगी तो उस मोशन को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, जैसे एक सर्कुलर मोशन होता है और एक आपका जो है पूरी बॉडी मूव करती है, वो आगे बताया वर्ड नहीं पकड़ में आ रहा. तो लिखिए जरा वन डायमेंशनल मोशन में, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम हम डेफिनेशन टू में बढ़ाएंगे, एक जगह चेंज करेंगे. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ एंड ओनली इफ एंड
ओनली इफ, अभी इसका मतलब मैं बता रहा हूं, इफ एंड ओनली इफ को हम कहीं कहीं पर आई डबल एफ लिखते हैं, अभी यहां ना लिखिएगा, मैं समझा रहा हूं, इफ एंड ओनली इफ, या ये ना लिखो टफ हो जाएगा, केवल इफ लिखो, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट, ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाइंग, वो स्पेसिफाई करते हैं ना कि किस पॉइंट पे बॉडी है, स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। फिर डेफिनेशन ध्यान से अपने आप पढ़िए कि अगर उसके कोऑर्डिनेट में से केवल एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो हम कहेंगे उसका मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल होगा। जैसे कोई बॉडी ऐसे चल रही है मान लिया, और यहां से आपने उसको देखना शुरू किया, ये आपका रेफरेंस पॉइंट, ये क्या आपका है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं ना, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब कोई बॉडी यहां पर थी माने ए पॉइंट, और यहां से वो एक्स वन डिस्टेंस पर आई, थोड़ी देर बाद आपने देखा वो बी पॉइंट पे है, और यहां से वो एक्स टू डिस्टेंस पे आई, उसका मोशन कैसा है, उसका मोशन वन डायमेंशनल है, यानी ये आपका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ये पाथ कैसा होगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ में आई बात, तो ये हो गया वन डायमेंशनल। इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, देखिए ये जो हमने डेफिनेशन लिखवाई है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, इनको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इफ ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, इफ ए बॉडी मूव इन अ प्लेन टू डायमेंशनल मोशन, इफ बॉडी मूव इन ए स्पेस थ्री डायमेंशनल मोशन। समझ आई बात, ये लिखिए। अब लिखिए टू डायमेंशनल मोशन, अगला लिखिए टू डायमेंशनल मोशन, ये सब काट दीजिए, यहां टू बना दीजिए, टू डायमेंशनल मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ओनली क्या लिखेंगे, इफ टू कोऑर्डिनेट्स विल चेंज, जैसे आपने वन वन लिखा है ना, तो वन में क्या लिखा, ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज, ओनली टू कोऑर्डिनेट चेंज, एक्स और वाई चेंज होगी। तो लिखिएगा द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशन, इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो जैसे हम टू डायमेंशन की बात करें तो हम कैसे करेंगे, अब ये नहीं बनाएंगे, हम एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस। एक बॉडी यहां पर थी, उसका कोऑर्डिनेट था एक्स वन वाई वन, थोड़ी देर बाद वो घूम फिर के यहां पहुंच गई, उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स टू वाई टू, कैसा मोशन इसका है, इसका मोशन टू डायमेंशनल है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पर इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई मेज पे बॉडी चल रही है, सरफेस पे चल रही है, फर्श पे चल रही है, वो टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, पॉइंट्स पकड़िएगा, बहुत सारी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, और ज्यादा नहीं है ये, आपने जो लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं और आईएससी बोर्ड के, इस पे कौन से बोर्ड के लोग पढ़ेंगे, टेंथ किस बोर्ड से किया है, कोई आईएससी का भी है, यस सर, आईसीएससी में सब पढ़ाया गया आपको जो है टेंथ क्लास, यस सर, थोड़ा बहुत उसमें करवाया था और नाइन्थ में भी करवाया था। हाँ हाँ, नाइन्थ टेंथ में दोनों में, सीबीएसई में भी है, सीबीएसई में भी है। अब थोड़ा सा थोड़ा डिटेल में जाएंगे और हाई सब वही आपका टेंथ। अब लिखिए थ्री डायमेंशनल मोशन, अगला ये टू की जगह हटा दो, थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशन में वही डेफिनेशन कर दो, लेकिन ओनली नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि कोऑर्डिनेट तीन ही होते हैं और तीनों चेंज हो रहे हैं। तो लिखिए द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is said to be three dimensional if all three coordinates, अब ओनली नहीं लिख सकते ना, तीन ही कोऑर्डिनेट होते हैं, वैसे होता तो एन डायमेंशनल, लेकिन तीन की बात कर, इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, सर कैन यू रिपीट, हाँ, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी थ्री डायमेंशनल इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो, इस प्रकार से तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, तो मान लिया ये देखो एक्स वाई जेड कहीं भी मान सकते हैं, इसको एक्स करो, इसको वाई करो, इसको जेड करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप मान सकते, तो जैसे कोई पॉइंट यहां पर है ए पॉइंट पे, और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन वाई वन जेड वन, और ये घूम फिर के यहां कहीं चला गया, यहां हो जाएगा एक्स टू वाई टू जेड टू, तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो उसको हम थ्री डायमेंशन करते हैं, जैसे स्पेस में कोई चिड़िया उड़ रही है तो वो थ्री डायमेंशन मोशन होता है, ठीक है, या एग्जांपल लिख दीजिएगा, द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई इज द थ्री डायमेंशनल, द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई इज थ्री डायमेंशनल मोशन, नोट्स जरूर बना लीजिएगा रोज के रोज, क्योंकि टेक्निकल चैप्टर्स तो नहीं है, टफ नहीं कहेंगे, लेकिन थ्योरी इस चैप्टर में बहुत, आगे थ्योरी कम होती जाएगी। अच्छा, तो ये तीन प्रकार के मोशन समझ में आ गए, अब बहुत बड़े काम जाओगे तो एन डायमेंशन भी आएगा, फिलहाल थ्री तक ही काम चलेगा, जबकि थ्री डायमेंशन, अब आपको थ्री डी एक मैथमेटिक्स में ब्रांच आएगी, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी मैथ में ब्रांच है, इंटर में डिटेल में है, इलेवेंथ में हेल्प की, वो आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब लिखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा, हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस की और बाद में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, दोनों को एक साथ समझेंगे लेकिन लिखेंगे अलग अलग। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, अब लिखवा नहीं रहे, ये बहुत छोटे क्लास पढ़े इसलिए हम समझा रहे हैं, ठीक है, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन मोशन, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए दो तरीके से आप कहेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पहली बात, यानी अगर डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन जोड़ दिया जाए, डायरेक्शनल वैल्यू हो जाए, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में, बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग, हाँ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हम लिखवा नहीं रहे समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि भाई एक बॉडी है, एक रेक्टेंगल में ऐसे यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां 5 मीटर गई, यहां 6 मीटर गई, यहां 5 मीटर गई, और ये 90 डिग्री है, जानबूझ के रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर, इसने कितनी डिस्टेंस कवर, तो 5 + 6 + 5, यानी इसने डिस्टेंस तो 16 कवर की, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6, तो ये होगा यहां से लेकर के यहां की इनिशियल फाइनल जो दूरी है 6 मीटर, यानी आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बराबर या बड़ी हो, बराबर ही हो सकती है, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर बोले तो जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, अभी अगला चैप्टर आएगा उसमें वेक्टर स्केलर पढ़ाया जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, ये चैप्टर तुम्हारे यहाँ, ठीक है, तो होगा डिस्टेंस एंड ये। अब आते हैं स्पीड पे,
ये सब पूरा पढ़ चुके हैं आप, बस किताब से लिख डालिएगा। बुक आप लोगों के पास एसएल अरोड़ा सबके पास होगी है ना? यस। जिनके पास नहीं है सर से पीडीएफ ले लीजिएगा, अगर ले ले नहीं खरीदो ठीक है, ना हो तो फिलहाल सर से पीडीएफ लेना, सर पीडीएफ दे देंगे ठीक है। अब आते हैं स्पीड पे, आते स्पीड, मैं कल स्पीड की बात कर रहा हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट सेकंड, यूनिट टाइम, या रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन वन सेकंड, उसको हम स्पीड कहते हैं ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या होती है? अब एक काम ईमानदारी से करिएगा, जो भी फार्मूला आपको मिले, जो भी आगे मिले, सबकी डायमेंशन जरूर निकालिए, भले आपने निकाल दी, जो भी मिले फट से डायमेंशन निकाल ठीक है। नए नए फार्मूले आपको मिलेंगे। अब जरा देखिए आपने क्या किया, एक सेकंड में आपने दो मीटर डिस्टेंस कवर की, आपकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में फिर 2 मीटर की स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड फिर 2 मीटर की स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। क्या हो रहा है? ये यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये कैसी स्पीड हो गई? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आई बात? क्या डेफिनेशन आप देंगे? मैं लिखवा नहीं रहा हूं ईमानदारी से। क्या आपने देखा? आप कहेंगे कि इन इक्वल टाइम इंटरवल द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, वी कैन से द स्पीड इज यूनिफॉर्म। आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं है ना? क्यों पहनते हैं यूनिफॉर्म? एक जैसा देखने के लिए यूनिफॉर्म। चलिए अब बात दूसरी घुमा देते हैं। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसके लिए लॉजिक क्या था? दो लॉजिक्स थे। एक लॉजिक ये था कि उस कॉलेज की आइडेंटिटी हो जाएगी, पहली बात। और दूसरा लॉजिक ये था कि आपके पास पैसा है, आप बढ़िया सा रेमंड का कपड़ा हो, बढ़िया सा पहन करके आप वाह हीरो हीरोइन बन गए, और बेचारा एक आदमी दूसरा जो बड़ी मुश्किल से फीस दे पा रहा है, वो गंदे संदे कपड़े पहन के जाएगा। तो जब यूनिफॉर्म पहनेंगे तो सभी के कपड़े एक जैसे होंगे, तो गरीब और अमीर में अंतर नहीं रहेगा। ये लॉजिक था ठीक है। अभी तो क्या लॉजिक में भी उसमें भी अच्छा लोग कपड़ा पहनाते, फिर यूनिफॉर्म। अब जरा समझिएगा, एक सेकंड में आपने 2 मीटर चला, स्पीड कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड 4 मीटर चला, स्पीड कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड बैठ गए आराम से, स्पीड कितनी? 0 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड 10 मीटर चला, स्पीड कितनी? क्या हो रहा है? 10 मीटर। हर एक सेकंड आप डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हैं, आपकी स्पीड कैसी है? वेरिएबल स्पीड। कैसी है? वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गई बात? तो आप क्या कहेंगे कि इन इक्वल टाइम इंटरवल द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। समझ में आई बात? Yes. अब जरा समझिएगा, तीसरी बात थोड़ा टेक्निकल है। देखो आप बड़ी स्पीड से चलना है, हमने कहा इसकी स्पीड बता। लड़कियां बड़ी स्पीड से चलती भी है, स्कूटी से वो चलेंगे और साइकिल से भी चलेंगे बड़ी स्पीड चलेंगे, और अगर स्कूटी से चलेंगे और कहीं पे देखेंगे वो भीड़ आ गई तो ब्रेक नहीं मारेंगे, गद्दी से उतर जाएंगे और स्कूटी के साथ भागेंगे। ऐसा होता नहीं होता है नहीं, तो देखा है साइकिल में तो होता है। अब बहुत स्पीड से आप चल रहे हैं, हमने कहा इसकी स्पीड बताओ। एक आदमी ने घड़ी देखा और आपको देखा तब आगे निकल गए, आपको देखा तो घड़ी देख रहे तो बता नहीं पा रहे, अब कैसे बताएं स्पीड? घड़ी देखते हैं तो आप नहीं दिखाई पड़ती, आप देखती घड़ी नहीं दिखती है, तो आपकी हम उस जिस समय आपसे पूछा गया उस समय हम आपकी स्पीड नहीं बता सकते। समझ आ रही बात? मजबूरी है, दोनों को एक साथ देख नहीं सकते, आपका डिस्टेंस और टाइम एक साथ नहीं देख सकते। तो क्या करें? घड़ी को बंद कर दो, मान लें टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा और आपकी स्पीड बता देंगे देखकर। सही कह रहा हूं मैं? नहीं कह रहा, यानी जब टाइम चेंज बहुत स्मॉल हो, बहुत स्मॉल इंटरवल, उस टाइम में जो स्पीड होती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस की हिंदी होती है तात्क्षणिक, और टफ हो गया। कहते ये क्या बता रहे हैं आप, तात्क्षणिक तत्काल, तत्काल तो जानते होगा ना हिंदी, इसी वक्त बताओ क्या स्पीड है बस। तो उसी वक्त हम नहीं बता सकते, तो आप क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस में कि स्पीड विद टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा उसमें इसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, उसमें इसकी स्पीड को कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ गई बात, यानी स्पीड ऑफ ए बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड निकाल, पर्टिकुलर टाइम पे बस 10 बजे बताओ कितनी स्पीड है, तो देखा घड़ी 10:01 हो गए तो इसी वक्त बताओ कितना हो, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके लिए टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल, बहुत बहुत स्मॉल मानते हैं। समझ में आई बात। दूसरी लैंग्वेज में यह है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी स्पीड से आप निकले, ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड क्या है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये इसकी डेफिनेशन है। और निकालते कैसे हैं, उसके लिए टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल माना पड़ता है। तो तीनों बातें समझ में आ गई। सर एक बारी बोर्ड देख सकता हूँ, दिख रहा है ना? अच्छा हम बार बार रास्ते में आ जाते, ये जब छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे, इसमें मैं लिखवा आप सी रहा हूं, इनको लिखना अपने आप आप। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया, तो इंस्टेंटेनियस को लिखते कैसे, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस डिस्टेंस, यही तो वेला स्पीड होती है। और ये टाइम कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं लिमिट LIM डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ऐसे लिखा जाता है। जब कोई चीज बहुत 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 स्मॉल होती है तो लिखते हैं लिमिट। आप लोगों ने मैथ्स में लिमिट पढ़ी कि नहीं पढ़ी अभी, मैथमेटिक्स वालों ने लिमिट पढ़ी है? इसमें कोई मैथ्स वाले है ना सब, काफी लोग, अरे बोल ही रहा, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस कहे स्टूडेंट? यस मैं हूँ। अच्छा स्पेलिंग पूरी बोली तब बोले, yes, मैथ्स भी बोले, मैथ इज द राइट, ये राइट वर्ड होता है, शॉर्ट फॉर्म है, गलत है, शॉर्ट फॉर्म सर ऐसा आता है। हाँ बहुत लोग ऐसे नहीं लिखते, गलत मैथ्स, यस सर। तो मैथ्स में आपने लिमिट पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? तो लिमिट अभी तक नहीं सर, मुझे तो याद ध्यान नहीं दिया ध्यान आए। ऐसे अगर कोई आपसे कहेगा स्पीड प्राइस हमने बोले ध्यान नहीं दिया, भाई ध्यान दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर लिमिट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, जीरो नहीं, वेरी 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 स्मॉल, नहीं समझे? मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट निकालनी है तो उसके बहुत क्लोज जाना पड़ेगा, समझाई बात नहीं? तो इसका मतलब जो डेल्टा टी है वेरी स्मॉल, तो इंस्टेंटेनियस लिखने का तरीका ही है। तो ये तो हो गया स्पीड। अब इसी में स्पीड की जगह हम लेंगे वेलोसिटी। सर मेरे को बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा सर, सर इंस्टेंटेनियस स्पीड v जो है सर किसके बराबर होगा? नहीं आपका नेट थोड़ा वीक होगा, सबको क्लियर दिख रहा है ये? यस सर। रीड नहीं किया था सर, क्या है? देखिए वेलोसिटी स्पीड बराबर चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल होता है, ये तो नहीं पढ़ रहे हो तुम, ये तो हमने तत्काल तात्क्षणिक हिंदी बताई है क्या मतलब क्या होता है, ठीक है? ये वेलोसिटी, ये स्पीड का फार्मूला है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड निकाली जाए। जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं पर शहरों के अंदर स्पीड लिमिट होती है कि आप इस स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकते, है ना? हाँ हाँ सर। तो कैसे वो मालूम करते हैं, वो कैमरा लगा देते हैं रास्ते में, कैमरा लगा देते, और कैमरे के अब आपको मालूम अगर स्पीड होगी तो कैमरे को आप कितने सेकंड में पार कर लेंगे, कैमरे की डिस्टेंस मालूम है ये डायमीटर, और आप इसको पार करने में टाइम लगाया, आपने कितना टाइम लगाया, इसका डायमीटर कितना था, कैमरे में लगा है कंप्यूटर, वो स्पीड कैलकुलेट कर लेता है, आपकी स्पीड मालूम होगी, आपकी स्पीड अगर आप उससे ज्यादा हैं तो फट से आपका चालान आ जाएगा, आप तो ऑनलाइन हो गया, ठीक है? पहले ऑफलाइन था तो पुलिस वाले आते थे, फिर आप बताते थे जानते रहो मैं कौन दिखाते, अभी ऑनलाइन, ठीक है? तो बड़े बड़े हाईवे पे भी होता है,
तो इसमें जो टाइम कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल को लिखते हैं लिमिट, एल आई एम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, समझ आ रही बात? तो जहां स्पीड है हर जगह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, बस वही डेफिनेशन दोबारा आ जाएगी, बस वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ डिस्टेंस जगह क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब जगह वेलोसिटी लिख दो, लिख मारो, और डिस्टेंस जगह लिख दो डिस्टेंस, फार्मूला वही होगा, सब कुछ सही होगा, केवल यहाँ डायरेक्शन होगी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है। तो यहां तक बात तो समझ में आ गई होगी, ये सब बच्चों वाली बात जो क्लास सिक्स सेवन एट में, अब आपको हम थोड़ा बड़े कर रहे हैं, है वो भी नाइन्थ में, अब यहां से हम बात शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। यस सर, क्या ऐसा हो सकता है किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी चेंज हो? यस सर, हो सकता। कैसे सर? अगर आप एक टर्न ले रहे होंगे, मतलब कि मान लो हाईवे में सर्कुलर मोशन, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आप एक बाइक से चल रहे हैं और आपकी रफ्तार मान लिया आपने, आप 100 बता दें, 50 कहेंगे तो आपको कम लगेगा, 80 कर देते ठीक रहेगा, आपकी रफ्तार 80 है, हमारी स्पीड तो 40 रहती है, और आप सीधे चल रहे हैं और हल्का सा आपने टर्न किया, लेकिन इंडिकेटर आपका 80 पे ही है, तो योर स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन, योर वेलोसिटी चेंज, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें। आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेट मैच होता है तो उसमें ओवर, रन रेट ये ग्राफ से दिखाते हैं, तो ग्राफ से दिखाने के बाद आपको वैल्यू नहीं देखनी पड़ती है, आप ग्राफ से ही देख लेते हैं कि कौन किस पोजिशन में चल रहा है, देख लेते हैं ना। तो अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको अगर हम विजुअल देखें, विजुअल रिप्रेजेंट करें, उसी को कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अलग अलग तरीके के ग्राफ बनाने का, अब यहां से आपकी बात उठ रही है मैथमेटिकली, अभी तक तो डेफिनेशन तीन है, पढ़ लीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वैसे इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं दे रहा हूं। आप किसी भी दो क्वांटिटी को, वैसे तीन भी हो सकती है, दो क्वांटिटी को अगर विजुअलाइज करें, विजुअलाइज मतलब विजुअल देखें उनको कहीं किसी जगह बना हुआ, तो उनको हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लिखिएगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल, एक ऑडिबल होती है, एक विजुअल, ऑडियो विजुअल पढ़ा होगा ना आपने, ये विजुअल है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑन ग्राफ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑन ग्राफ इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपसे कहा जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, तो आप कहें दो क्वांटिटी को ग्राफ में ड्रॉ करना, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑन ग्राफ इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जरा देखो अलग अलग तरीके के हम ग्राफ कर सकते हैं। पहला लिखिए पोजिशन टाइम ग्राफ, मेन हेडिंग ये है, बड़ी सी हेडिंग, मोटी, बीच में लिखिएगा पोजिशन टाइम ग्राफ, बीच में लिखिएगा, मतलब ये इस टॉपिक का हीरो है, जिसके अंदर सब जो है शूटिंग होगी, पोजिशन टाइम ग्राफ। देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, अलग अलग तरीके की पोजिशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना है, फिर उस ग्राफ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं वो निकालना सीखना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहले निकालने जा रहे हैं। अच्छा, पोजीशन को किसे लिखते हैं, एस, और टाइम को लिखते हैं टी, एस टी ग्राफ लिख दें, पोजीशन डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एस टी ग्राफ लिख दें, कोई दिक्कत? तो हम हर जगह ये ना लिख करके क्या लिखेंगे, एस टी ग्राफ। तो पहले हम बनाने जा रहे हैं एस टी ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट,
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहले इसका मतलब समझिएगा। आप किसी बॉडी की पोजीशन को बताते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, भाई हम कह रहे हैं कि आप 10 मीटर हैं, कहां से, हमसे, तो हम क्या हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट है। जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीज में बता रहा हूं। आप हैं 10 मीटर किससे, हमसे, तो हम क्या हैं, रेफरेंस पॉइंट है। ये मेरे बगल में दो कुर्सी पड़ी है उसी रेफरेंस लाइन पे, एक कुर्सी पे हम बैठे, एक कुर्सी पे आप बैठ गए। अब बताइए हमसे आप कितनी दूर हैं, नहीं वो लाइन एक मानी जा रही, यानी आपकी डिस्टेंस हमसे जीरो है, नहीं है, तो जिस लाइन पे हमें उसी लाइन पे आप हैं, नहीं समझे। एक सेकंड बाद देखा, यानी आप रेस्ट में है, एक सेकंड बाद देखा रेस्ट में है, उतनी ही दूर है। दो सेकंड बाद देखा उतनी ही दूर है, तीन सेकंड बाद देखा उतनी ही दूर है, तो आप क्या है, आप स्टेशनरी। समझ आई बात। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ बैठे हैं, ये रेफरेंस लाइन है, हम जहां बैठे हैं, और आप हमसे थोड़ी दूर पे हैं, दो मीटर दूर पे, एक सेकंड बाद दो मीटर दूर पे, दो सेकंड बाद दो मीटर दूर पे, तीन सेकंड बाद दो मीटर दूर पे हैं, क्या है आप, आपकी पोजिशन नहीं चेंज हो रही है, तो आप कैसे हैं, रेस्ट में हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जरा सावधान देखो, ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इसको मैं टाइम लेता हूं तो ऐसा कर लेता हूं, इसको टी ही मान लेता हूं, कोई दिक्कत भाई, एक्स एक्सिस को टी मानना है तो आप चाहे एक्स मानो, चाहे यहां एक्स लिख दो, और यहां लिख दो कि ये टाइम है टी, और ये वाई है, ये डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, जो भी कहें, डिस्टेंस मानो, डिस्टेंस मानो, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप, डिस्प्लेसमेंट कहिए, और ये डिस्प्लेसमेंट है। जरा देखिएगा, यहां पर हम है जीरो पोजीशन, जीरो टाइम पे, आप हमसे इतनी दूर हैं, हो सकता है आप मुझसे दो मीटर दूर हो, एक सेकंड बाद देखा, एक सेकंड हमने देखा आप हमसे दो मीटर दूर हैं, दो सेकंड देखा आप हमसे दो मीटर हैं, दो सेकंड, तीन सेकंड देखा आप हमसे दो मीटर हैं, चार सेकंड देखा आप हमसे दो मीटर हैं, तो आपकी पोजीशन ऐसे मिलेगी। ये पोजीशन क्या दिखा रही है, कि एक सेकंड बाद दो मीटर, दो सेकंड बाद दो मीटर, तीन सेकंड बाद दो मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी हमसे दूरी दो ही मीटर है, तो आप किस पोजीशन पे हैं, स्टेशनरी। यानी अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे है तो ग्राफ कैसे बनता है, इट गोज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, पहले बनाइए फिर यहां लिखिए, फॉर स्टेशनरी बॉडी द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। समझ में आ गया, इसको आप टू ना लिखिए, एक्स नॉट लिख दो, मतलब दूरी है ना, तो उसको एक्स नॉट लिख दीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मानने की बात है, कुछ भी करो, एक्स वन लिख दो, एक्स आई लिख दो, जो भी लिखना हो, टू भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यस सर, समझ आ गया। अच्छा तो लिखिएगा, फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा देखिए, अब इसी में जरा गड़बड़ कर रहा है, हमने कहा था हो सकता है आप मेरे बगल में बैठी हो, तो आपकी मुझसे दूरी कितनी है, वो दूरी नहीं है, वो रेफरेंस लाइन एक ही मानी जाए, तो आपकी दूरी कितनी है, जीरो, यानी आप यहाँ बैठे हैं जीरो, थोड़ी देर बाद आप यहाँ बैठे हैं जीरो, आप यहाँ बैठे हैं जीरो, आप यहाँ बैठे, तो ये लाइन इसी के ऊपर चल सकती है, चल सकती, तो अगर इसी के ऊपर कोई लाइन खींच दी जाए तो वो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि इनिशियली जो हमने टाइम देखना शुरू किया था तो आपकी उस पोजीशन जो रेफरेंस पॉइंट है उससे दूरी जीरो थी, जहां से हमने डिस्टेंस नापी शुरू की थी वहीं पे आप बैठे थे। समझ में आ गया, ये ग्राफ किसके बीच में था, पोजीशन टाइम किसके लिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आगे लिखिए, एस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ST graph for the body having uniform motion. ST graph of the body having uniform motion. For uniform motion. Uniform
मोशन। जरा समझिएगा, पहले यूनिफॉर्म को समझ लीजिएगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो, सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो। अब यहाँ एक लफड़ा फिर आता है, हो सकता है इनिशियली आप हमारे साथ बैठे हो सकता है थोड़ी दूर भी बैठे, ग्राफ में अंतर आ सकता है, ठीक है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, मेरे पास बैठे, ठीक है। जरा समझिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ध्यान से, जीरो टाइम पे आप जीरो पे हैं, एक सेकेंड बाद दो मीटर, दो सेकेंड बाद चार मीटर, तीन सेकेंड बाद छह मीटर, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, नहीं मिलेगा, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है सेम इंटरवल, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ गया कैसा मिला। अब ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं जरा समझिएगा। देखो, अगर हम किसी समय ए पॉइंट पे थे और यहाँ पर सर एक क्वेश्चन है बस, हाँ बताइए, जीरो से क्यों शुरू होता है ये ग्राफ है, जीरो से क्यों शुरू होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया, हमने कहा हो सकता है आप शुरुआत में यहाँ रहे हो, तो आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। आप जीरो टाइम पे शुरुआत में यहाँ हो सकता रहे हो, हाँ, इनिशियल पोजीशन हो भी सकती है और जीरो भी हो सकता है, दोनों कंडीशन मिलता है ना। ओके, हम दोनों को लेके चल रहे हैं, आपको दोनों ही बताएंगे, चलिए हम दोनों बता दें। हमने शुरुआत में इसकी इनिशियल पोजीशन बताई, यहाँ जीरो बताई, ठीक है, पहले इसको देखो। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो मेरे पास टाइम कितना था, T1, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, S1। चूंकि डिस्प्लेसमेंट S मान रहे थे, इसी मान लेते, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पहुंचे, यानी यहाँ पहुंच रहे, मैं दोनों बता रहा हूँ। यहाँ पर टाइम कितना था, T1, डिस्प्लेसमेंट कितना था, S1, ठीक है। यहाँ पे आए, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पहुंच गए, कितना टाइम था, आपने कहा T2, डिस्प्लेसमेंट कितना था, S2। यहां से यहां तक जाने मैंने यहां पहुंचे, टाइम कितना था, T2, डिस्प्लेसमेंट कितना था, S2, है ना, बी पे पहुंचे। यहां से यहां तक कितना टाइम इंटरवल हुआ, सर T1 माइनस T1, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, S2 माइनस S1 सर। यहां भी ऐसे ही होगा, ओके, मतलब यहां से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, अगर ये AB का स्लोप निकालना चाहे, अगर आप निकालें स्लोप ऑफ AB अगर निकालें, आपको याद होगा स्लोप कैसे निकलता था, टेन थीटा। अगर आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से थीटा निकलता है उसका स्लोप टेन थीटा होता है, तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ये भी थीटा होगा, नहीं होगा, यानी यहां पर ऐसे इसको खींचेंगे, अगर ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा, नहीं होगा। स्लोप ऑफ AB निकालें जो कि टेन थीटा होगा, वो कितना होगा, BC/AC, परपेंडिकुलर अपान बेस, BC/AC, BC बोले तो S2 माइनस S1 और AC बोले तो T2 माइनस T1, ये क्या आपको दे रहा है स्लोप, ये क्या मिल रहा है, डेल्टा S अपान डेल्टा T मिल क्या रहा है, वेलोसिटी सर, यानी कि स्लोप क्या देता है, यानी ये वेलोसिटी मिल गई, नहीं मिल गई, कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, यानी अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी के स्लोप और टाइम के बीच ग्राफ खींचे और ग्राफ का क्यों स्लोप निकाल ले, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, मिल जाएगी ना, यस सर, मिल जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि कोई बॉडी ऐसे जा रही है टाइम और ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको डिस्प्लेसमेंट जरूरत नहीं है, आप 10-60 निकाल दो, वेलोसिटी बराबर 10-60 यानी √3 मीटर/सेकंड, समझ में बात नहीं आई, यस सर। हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है ग्राफ कैसे खींचेंगे और ग्राफ की मदद से निकलेगा, तो ग्राफ ऐसे खींचेंगे और ग्राफ की मदद से वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है सर, नोट करिए। अब यहां से आपका मैथमेटिकल पॉइंट उठ रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रह करके जो बताया जा रहा है उसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा मास्टर, ठीक है, और उसका मतलब क्या निकल, नोट करिए।
तो इतनी बात समझ आज आ गई होगी हमें हिसाब से। yes. अगले क्लास में यहीं से उठाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये हम बता देंगे, मैं बता चुका, ठीक है? तो यहीं से उठाएंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकलेगा, तीन ग्राफ पढ़ाए जाएंगे, फिर उन ग्राफ की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कराए जाएंगे, ठीक है? तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात मेरी। yes, इसको लिख लीजिएगा, आज की आज, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े हुए की बहुर करेगा कब। ये नहीं कि आज करे तो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी जाए कि जीना है वर्ष, ये नहीं चलेगा, ठीक है? इसको आज ही नोट्स बना लीजिएगा, ये दोनों बना लीजिएगा, ठीक है? पहला केस क्या है, जब रेफरेंस आपका इनिशियल पोजीशन जीरो थी और जब इनिशियली उसमें थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है? इसलिए दोनों केस हमने बता दिया, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। yes, sir. मेरे हिसाब से समझ में बात आ गई होगी आज का एपिसोड। यस सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक सेकंड सर, एक बार बोर्ड दिखा सकते हो? बोर्ड तो क्लियर आ रहा होगा, उसका कहीं नेटवर्क की उधर दिक्कत होगी, मेरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट सर।